सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने विंडो की जो ब्लू स्क्रीन आती है कुछ ऐसे आती है, वो मैं शो कर देता हूँ आपको। ये जो आपकी कई बार आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है और आप ऐसी ब्लू स्क्रीन जो है अपने कंप्यूटर में फेस कर सकते हैं। इसमें लिखा होता है प्रॉब्लम हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड विंडो हैज़ बीन शट डाउन टू प्रिवेंट डैमेज टू योर कंप्यूटर। तो ऐसा कुछ शो होता है, इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आती है जो अपने समझ से बाहर है। मैं सेकेंड एरर बता देता हूँ, सेकेंड इसकी इमेज दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा कुछ देखेंगे जब आप अपना कंप्यूटर अपना ऑटोमेटिकली जो है आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो आप ऐसा कुछ उसमें देखेंगे कि विंडो हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड शट डाउन। तो ये देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स है, सिंपल सिंपल से स्टेप्स है, केवल 9-8 स्टेप्स है सिंपल सिंपल से, और ये स्टेप्स को अपन फॉलो करते हैं और चलिए देखते हैं कि कैसे इस एरर को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रन में जाना है कंप्यूटर के, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रन। जब आप रन पे टाइप करेंगे तो रन पे टाइप करने के बाद आपको रन पे टाइप करना है, सेकंड स्टेप है अपना टाइप ms config। तो यहाँ पे मैंने ms config टाइप किया, मैंने ओके कर दिया इसको। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपके पास एक सिंपल सी विंडो आएगी, उस विंडो में आपको स्टार्टअप वाले ऑप्शन में अपने को जाना है। तो एक सेकेंड रुकिए आप, क्योंकि जब आप उसको ms config टाइप करोगे तो जो विंडो आएगी, सॉल्यूशन आएगी, वो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कुछ ऐसा दिखेंगे इसमें। तो इसमें आपको स्टार्टअप वाले ऑप्शन में जाना है। ये देखिए, थर्ड स्टेप है अपना गो टू स्टार्टअप, चौथा स्टेप है अपना डिसेबल ऑल एंड अप्लाई चेंजेस, यानी कि ये जो स्टार्टअप के जो आइटम्स है इन सबको आपको डिसेबल कर देना है। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो जब आप इसको डिसेबल करेंगे, डिसेबल करने के बाद आपको इसको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। अप्लाई चेंजेस क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। अभी आपको बोलेगा कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यू मे नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। तो रीस्टार्ट मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी। नाउ अब क्या करना है अपना, ये कंप्लीट हो गया। नाउ अपना पांचवा स्टेप है गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप एंड गो टू CMD, यानी कि अब मैं CMD पे जाता हूँ। CMD पे जाने के बाद आपको CMD पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले पे क्लिक करना है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। आपको एडमिनिस्ट्रेटर में ही ओपन करना है CMD कमांड, आप अगर नॉर्मल ओपन करेंगे तो नहीं होगा। तो जैसे मैंने CMD पे आ गया मैं इस पे, अब मुझे क्या करना है, अब आपको इसको रन CMD एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपना 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया। सातवा पॉइंट अपना यहाँ पे टाइप करना है sfc/scan now। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया sfc/scan now। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको इसको टाइप करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिगिनिंग सिस्टम स्कैन दिस प्रोसेस विल माइट टेक टाइम, तो ये कुछ टाइम ले सकता है। तो जब आपका CFC कमांड, CMD कमांड आपका जब पूरा 100% तक का कंप्लीट हो जाए, तो अपना 7 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट पॉइंट है अपना रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, और अब आपको जब वो पूरा CMD 100% तक का कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट स्टेप क्या लेना है, आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है और जो सॉर्टेड जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये वाला वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।